नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ प्राची कुमारी। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए आरपी समाचार पर, जहां देखेंगे खबर सच। मासूम बेटे को देखकर भी नहीं पसीजा मां का दिल, कोर्ट में बोली इनसे कोई वास्ता नहीं, कभी मिलना नहीं चाहती। हिला के पति ने हाई कोर्ट में बंधी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर करके कहा था कि उसकी पत्नी को किसी ने बंधी बना रखा है। पत्नी जब कोर्ट में पहुंची तो कोर्ट ने पूछा अपने बच्चों को साथ रखोगी, तो युवती ने कहा वह बच्चों को कोई नहीं चाहती है, उन्हें अपने साथ नहीं रखेगी। इस पर कोर्ट ने कहा कि उसे बच्चों से मिलने नहीं दिया जाएगा, तो महिला ने जवाब दिया कि मंजूर है। इसके बाद कोर्ट ने बंधी प्रत्यक्षीकरण याचिका को शौशीर्य न पाते हुए उसे हाजिर कर दिया। खबर विस्तार से, मौजूद माँ ने अपने दो मासूम बच्चों से रिश्ता तोड़ दिया और कोर्ट से कहा उसका बच्चों से कोई वास्ता नहीं है। माँ ने कहा कि उसको बच्चों से नहीं मिलना भी मंजूर। फतेहपुर एक युवक की ओर से पत्नी के लिए दाखिल बंधी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई के दौरान पत्नी ने यह बयान दिया। कोर्ट ने पति से कहा कि उसे बच्चों से मिलने नहीं दिया जाएगा। इस पर दोनों बच्चों की माँ ने कहा कि उसे यह भी मंजूर है। उसने यह भी कहा कि उसे किसी ने बंदी नहीं बनाया, वह दिल्ली में रहकर प्राइवेट जॉब कर रही है। पत्नी के ऐसे जवाब से कोर्ट ने पति की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने याचिका को शोषणीय नहीं माना। यह आदेश न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी के प्रमोद कुमार व तीन अन्य की याचिका को खारिज करते हुए दिया। मामले में पति प्रमोद कुमार ने अपनी पत्नी क्रांति देवी को बालकेश के बेटे अंकुर के हाथों बंदी बताते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दाखिल की थी। पति का कहना था कि उसकी पत्नी क्रांति को अंकुर ने दिल्ली में बंदी बनाकर रखा है, उसे छोड़ नहीं रहा, वह कैद है। चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूले, आइकन बेल दबाना बिल्कुल ना भूले, जिससे प्रत्येक जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके, जैसे कि प्रत्येक दिन का राशिफल, प्रत्येक पर्व का आर्टिकल, नई और ताजी खबरें।